हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पा रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग, जिसमें मैं थोड़ा सा सफ़र में हूं और गई थी एक बहुत ज़रूरी काम से। इसी तरह ज़िंदगी चलती रहती है और वक्त ख़त्म हो जाता है, तो वक्त ख़त्म होने से पहले हमें लाइफ में कुछ बेहतर कर लेना चाहिए। आज थोड़ा सा इमोशनली ब्रेकडाउन हो गया था, बट कुछ नहीं, पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करेंगे अच्छे से व्लॉग। तो इस तरीके से मेरा पार्सल रिसीव हो गया था, जिसकी आपने डिटेल वीडियो आई होप देख ली होगी अब तक के। और इसमें मैंने सारी स्किन केयर की चीज़ें ऑर्डर की थी, बेसिकली ब्लीच, फेशियल्स एंड ऑल सारा स्टफ़। और ये ईद की प्रेप है, क्योंकि ईद में थोड़ा अच्छा दिखना होता है, ग्लोई दिखना होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, आप तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, तो वो भी ज़रूरी होता है। अगर कभी कभी अपनों के लिए, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए ही सही, दूसरों के लिए नहीं तो वक्त के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर कर ली थी। ये एलोवेरा जेल का एक बड़ा टब जो है वो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है। और ये फेशियल किट, डिफरेंट डिफरेंट फेशियल किट हैं, कोई सिंगल यूज़ वाली हैं जैसे भाई लोग को यूज़ करना होता है या किसी और को यूज़ करना है तो वो सिंगल यूज़ वाली यूज़ कर लेते हैं। लेकिन लैक्टो ब्लीच मिल्क जो है ये मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया और ये विदाउट एक्टिवेटर आता है। सब लोग बोलते हैं स्किन पर कम नुकसान करता है, तो लेट्स सी कि इसके रिजल्ट्स कैसे होंगे। और यहाँ पर मुझे फ्री गिफ्ट में पर्पल की 4 लिपस्टिक का सेट और एन बे की लिपस्टिक और एक उपटन की क्रीम जो है वो फ्री मिली है, क्योंकि कुछ सेल वगैरह चल रही थी, तो इसीलिए मैंने सारा सामान एक साथ मंगा लिया। हालांकि सामान तो देख के ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पार्लर खुलने वाला है, लेकिन नहीं, तो चीज़ें मंगा के आ जाती हैं। वैसे भी एक्सपायरी 3-3 साल की है, तो 2-3 साल की ऐसे तो ईज़िली चल जाएगा, तो रखा रहता है तब भी इत्मीनान रहता है। और मैं आ गई हूँ अपने बेड पे और आपको हाई करने के बाद दिखा रही हूँ बॉटल एंड ग्लूकॉन डी का डिब्बा, जो कि आजकल मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट भी हो गया है एंड इवन नीड भी बहुत ज़्यादा है। ग्लूकॉन डी के साथ मुझे एक बॉटल भी फ्री मिली थी, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे चल रहा था कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट, और इस तरीके से एक फुल पैक ऑफ बॉटल क्रिएट कर लिया है हमने। और ये ग्लूकॉन डी मैं रात से लेके मतलब 12 बजे तक के फिनिश कर देती हूँ, ताकि थोड़ी बॉडी में एनर्जी आ जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और लास्ट के रोज़े जो हैं वो थोड़े से सख्त जा रहे हैं। लेकिन इरादा होता है ना तो अल्लाह ताला मुकम्मल भी ज़रूर कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन रोज़े हैं वो पूरे के पूरे हो पा रहे हैं, और मतलब कि जो मेन रीज़न होता है उसकी वजह से 1 वीक के जो छूटते हैं उसके अलावा वाले एको भी नहीं छूटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लास्ट में थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन हर चीज़ हो जाती है जब हम आपकी नियत होती है, इरादा पक्का होता है तो हिम्मत मिल जाती है। और साथ ही साथ कुछ इस तरीके से घर की क्लीनिंग भी चल रही है, तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग तो बनती है। जैसे कि अगर आप जाए जितना ही मर्ज़ी आराम कर लें, हर वक्त आराम भी ज़रूरी नहीं होता, थोड़ा सा आप किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में आप वर्कआउट, जैसे आपने कुछ मॉपिंग कर ली, डस्टिंग कर ली, तो वो भी आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। कुछ लोगों ने पिछले से पहले कमेंट किया हुआ था कि जब आपके पैरों में प्रॉब्लम है और आप फिज़िकली चैलेंज्ड हैं तो आप ये सब क्यों करते हैं, ब्ला ब्ला, तो उस कमेंट को तो मैंने हटा दिया था। बट ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं हमेशा से काम करती हूँ, और मैं दूसरों को भी सजेस्ट करूँगी जितना आप ईज़िली कर पा रहे हैं, प्रेशर ना लें किसी चीज़ की, मतलब कि ज़्यादती ख़राब होती, लेकिन जितना थोड़ा बहुत आपसे हो पा रहा है उतना आप ईज़िली करें, तो वो आपकी ही बॉडी के लिए थोड़ा बहुत ठीक रहता है, बॉडी मूवमेंट में रहती है, अदरवाइज़ बैठे बैठे वेट भी गेन होता है और खाली बैठना शैतान का काम होता है। दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आते हैं, ख्यालात तो खैर ऐसे भी आते रहते हैं, और इस को छोड़ते हैं। और कुछ इस तरीके से मैंने ज़बरदस्त पूरे हर जगह पे डस्टिंग एंड मॉपिंग कर ली थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा क्लीन फील हो रहा था। और अभी से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी तैयारियाँ छोटी छोटी स्टार्ट हो गई हैं डीप क्लीनिंग की, कोई कोई हिस्से की, क्योंकि ईद आ रही तो एक ही दिन पहले जस्ट सारा चीज़ें नहीं हो पाती, तो धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। और इवन
मुझे थोड़ी बहुत स्टिचिंग भी करनी है, क्योंकि मैं जो ड्रेस होता है उसका कुछ पार्ट कुछ ना कुछ मैं अपने हाथ से डिज़ाइन करती हूँ या ड्रेस क्रिएट करती हूँ, बनाती हूँ, जैसे भी हो पाता है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कितने लोगों के ड्रेसेस आउटफिट कंप्लीट हो गए, स्टिच हो गए, आ गए, और कितनों ने किस तरीके से परचेज़ किया है, तो ज़रूर बताइएगा। मैं तो आपके साथ शेयर करती हूँ। इवन मैंने आई थिंक ईद का आउटफिट बहुत पहले ही आपके साथ शेयर किया था जब वो स्टिच नहीं हुआ था, और उसके बाद वाले भी जितने भी सूट्स लाई थी वो भी शेयर किए हुए थे। तो सिंपल सूट्स लिए हैं इस बार, कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हैवी वाला नहीं लिया है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और बहुत हैवी तो पहना नहीं जाएगा, लेकिन ईद के हिसाब से थोड़ा बहुत हैवी चलता है। और अलविदा भी बिल्कुल ईद से एक दिन पहले ही पड़ रहा है, तो इस बार दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। कुछ इस तरीके से हमने झाड़ू पोछा करने के बाद यहाँ पे इफ्तार की तैयारियाँ हो गई थी, पकौड़ी और आलू कचालू वगैरह। और आज हमने पालक की भजिया बनाई थी, पालक की जो पकौड़ी होती है वो बनाई थी, क्योंकि पालक में भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है और वो भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हाँ, मालूम है तेल के साथ नहीं होता फिर भी। और अब यहाँ पे हम लोग काटने जा रहे हैं वाटरमेलन, क्योंकि अच्छा खासा टाइम बाकी था, तो मैंने सोचा मीनवाइल हम यहाँ पे वाटरमेलन कट कर लेते हैं। एक और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आप लोग अपनी सलाह भी दीजिएगा, क्या ये सही है या गलत है। मेरा अपना मानना ये है कि अगर आपको कोई तकलीफ़ है, मतलब फिज़िकली नहीं, मेंटली आप कुछ सोच रहे हैं या टेंशन में हैं, तो लोग बोलते हैं कि आप अपनी चीज़ें दूसरों से शेयर करें तो मन हल्का हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है मेरा। लेकिन पर्सनल ये मानना है कि आप उस वक्त को अपने साथ बिताएं और चीज़ों को सब्र करने की कोशिश करें। हालांकि अगर हम दूसरों को बता देते हैं दिल तो हल्का हो जाता है, लेकिन वो जब आपका वो टाइम तो बीत जाता है ना, ऊपर वाला वो टाइम धीरे धीरे निकाल देता है, लेकिन जब आप गुड टाइम में जाते हैं ना, तो वो बंदा आपको उस टाइम की याद दिलाता है या पिंच करता है किसी ना किसी फॉर्म में, अरे हाँ मालूम है कि पहले क्या था, या पहले ऐसा करती थी या पहले ऐसा सोचती थी। क्योंकि अक्सर हम लोग के साथ ये होता है कि हमने सोचा कुछ होता है और लाइफ में आगे हम लोग प्रोसीड किसी और रास्ते पे करते हैं, तो फिर सामने से सुनने को मिलता है। और अगर कुछ ऐसे दोस्त हैं जो लगता है कि कहीं चीज़ें इधर उधर फैलाएंगे नहीं या अपने तक रखेंगे, अपने तक रखना तो बात ये है कि अगर आपका टाइम अच्छा हो जाता है तो उस पर आपको तंस नहीं कसेंगे, तो उन दोस्तों को बहुत संभाल के रखिए। अगर उनके लिए झुकना भी पड़े, उनके मान सम्मान को कभी ठेस मत पहुँचाइए, क्योंकि ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी हैं, लेकिन बहुत से लोगों की लाइफ नॉर्मल लोगों से अलग होती है ना, तो तब भी लोगों को समझने में बहुत दिक्कत होती है। हम जाए जितना ही बोल दें कि हाँ हम समझते हैं क्या तकलीफ़ है, हम समझते हैं क्या बीती, नहीं, जब तक कि वो चीज़ हम खुद नहीं फेस करते हम नहीं समझते। अगर कोई अननोन फ्रूट है जो हम लोग ने कभी नहीं खाया है और हम किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका ये टेस्ट है, वो बंदा वो टेस्ट जान ही नहीं सकता जब तक कि वो खुद नहीं खाएगा। रिजम्बल कर सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है इस हद तक, लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं कर सकता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे दोस्त हैं तो उन्हें बहुत संभाल के रखें, दोस्त या कोई भी करीबी जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर सकें। हालांकि जैसे आप देख रहे हैं ये सब रोज़े की इफ्तारी की तैयारियां चल रही हैं व्लॉग में, और इसके बाद हमने इसमें डाल दिए हैं भजिया। मेरा सोचना सही है या गलत कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर व्लॉग आपने इतनी दूर तक के देखा है, हालांकि मुझे बहुत कम लोग लग रहा है जो व्लॉग पूरा वॉच करते हैं, लेकिन मैं बहुत मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें वीडियो को, चैनल को, तो उससे भी हौसला मिलता है। और ईद की प्रेप्स चल रही हैं, रमज़ान जा रहे हैं, थोड़ा बुरा भी लग रहा है, और बहुत से लोग बोलते हैं रोज़े नहीं रखे जा रहे हैं, रखते रखते आदत पड़ जाती है, सब चीज़ें हो जाती हैं। जब दुनिया में हर चीज़ आदमी कर सकता है, कोई चीज़ इतनी कठिन नहीं है, अगर ऊपर वाले ने हिम्मत दी तो सब कुछ हो जाता है। कुछ बहुत ठंडे ठंडे इस तरह के लस्सी के गिलास तैयार हैं, और उसके बाद हम लोग ने वहाँ पर बैठ के रोज़ा खोला, फिर अपने रूम में आके बैठ के फिर नेक्स्ट डे का सेम रूटीन फॉलो करूँगी, ग्लूकॉन डी वगैरह वो सब लूँगी, क्योंकि बॉडी को इस टाइम थोड़ी सी नीड है। हालांकि बॉडी थोड़ी सी स्वेल हो रही है ग्लूकोज पीने की वजह से, थोड़ा सा मोटापा बढ़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं,
धीरे धीरे बाद में वो कवर अप हो जाएगा, क्योंकि डेंगू के बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरीके से हम अपनी बॉटल लेके फिर बैठ गए। जी हाँ, हम बॉटल में ही पूरा घोल लेते हैं, क्योंकि ग्लास फिर रखा रहता है या फिर उसी टाइम पूरा कंज्यूम करें। बॉटल में ही आसानी रहती है कि आपको जितना लेना है कंज्यूम कीजिए, उसके बाद उसको बंद करके इजिली रख सकते हैं। तो ये एक केजी का आई थिंक ग्लूकॉन डी मैंने ऑर्डर किया हुआ था, तो ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है और लंबा चलेगा। बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, बस क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत लेते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ लेने की कोशिश किए, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें, थोड़ा सा उसमें काला नमक या अंबिया आ गई हैं, अंबिया को उबाल के जो पन्ना बनता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग धूप में बाहर डेली जाते हैं तो लू से बच जाते हैं। अगर आपको वो जानना है तो मैं आने वाले दिनों में आपके साथ ज़रूर से शेयर करूंगी। इतना मैस उधर क्रिएट हुआ था, उसके बाद बची हुई मैंने अपनी लस्सी पी, क्योंकि उस मैस को क्रिएट करके अभी जो मैंने आपको स्किन केयर के प्रोडक्ट दिखाए पर्पल के, उसका भी वीडियो शूट करना है और वो वीडियो इस व्लॉग से पहले जाएगा। और गर्मियाँ बहुत हो रही हैं, मस्त हर चीज़ अच्छी रहती है, लाइफ को जीते रहना चाहिए, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है, बस ऊपर वाले से अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए और ये दुआ करनी चाहिए मेरे हिसाब से कि कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और सिवाय रब के आगे किसी के सामने झुकना ना पड़े। इसी उम्मीद के साथ, इसी नोट के साथ सब खुश रहें, अच्छे रहें और ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएँ। व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो व्लॉग को लाइक कर दें और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।